ये देखिए मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं हम, और ये घंटियां और ये चिट्ठियां, ये देखिए शायद आपने दुनिया में पहला ही मंदिर देखा होगा जहां पे इतनी सारी घंटियां और ये चिट्ठियां रखी जाती हैं। लोग अपनी समस्याओं को इन चिट्ठियों में लिख के जाते हैं और उसके बाद फिर जब उनकी समस्या का समाधान हो जाता है फिर वो यहाँ पर आके अपने कहे अनुसार जो जो चीज़ बोली होती है उसे चढ़ाते हैं। अधिकतर लोग घंटियाँ ही चढ़ाते हैं यहाँ पे। ये देखिए आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है गोलू देवता का मंदिर। ये न्याय के देवता हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ मांगी जाती है वो पूरी होती है। और अगर कभी आपको अल्मोड़ा आने का मौका मिले तो आप मंदिर में ज़रूर आएँ। जो भी आपकी समस्या हो उसे आप चिट्ठियों में लिखकर जा सकते हैं और अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दुनिया में ऐसा कहीं कोई मंदिर नहीं जहाँ पे चिट्ठियों में लोग अपनी समस्याओं को लिखते हों, सिर्फ़ एक कुल देवता का मंदिर ही हमारे चितई में ऐसा है जहाँ पे अपनी समस्याएं लोग लिखते जाते हैं। किसी की कोई भी समस्या हो, किसी का मुकदमा हो, किसी की नौकरी ना लग रही हो, किसी की शादी ना हो रही हो, किसी की कोई बीमारी हो, किसी की कोई समस्या हो, तो देखिए लाखों चिट्ठियाँ लिख करके लोगों ने यहाँ पे रखी हुई हैं। पता नहीं कितने टाइम से लोग यहाँ पे आते हैं और इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। ये देखिए देखिए चिट्ठियों का अंबार, कोई जगह खाली नहीं है मंदिर में जहाँ पे आप घंटियाँ लगा सकें, चिट्ठियाँ लिख सकें। और यहीं से नहीं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी फेमस मंदिर। लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, इसीलिए लोगों की इतनी आस्था इस मंदिर के ऊपर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सारी चिट्ठियाँ ही चिट्ठियाँ। यही इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ बहुत सारी चिट्ठियाँ लिख करके लोगों ने रखी हुई है। और ये देखिए घंटियाँ, ये नीचे की घंटियाँ हैं। पूरा मंदिरों से, पूरा घंटियों से मंदिर खचाखच भरा हुआ, कोई जगह नहीं है खाली। ये देखिए और मंदिर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं हम।